हेलो गाइस, सो आज हम ज्योग्राफी में देखेंगे हमारा नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारा वेदरिंग। सो वेदरिंग क्या है? वेदरिंग है जो इंसिटू मतलब इनसाइड आर बॉडी। सो जो हमारी रॉक्स की डिसइंटीग्रेशन होती है उसके अंदर में जो ड्यू टू डिफरेंट फिनोमेना डिफरेंट इफेक्ट्स उसको बोलते हैं वेदरिंग। तो इसके पीछे हमारे कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे आगे हमारा टेम्परेचर, प्रेशर, रॉस्ट, एटमॉस्फेरिक गैसेस, जिसकी वजह से एक रॉक जो है उसका इंटरनली ब्रेक डाउन हो जाता है और उसको बोलते हैं हम वेदरिंग। तो इसमें देखते हैं हम कि वेदरिंग आगे डिफरेंट टाइप्स की हो जाती है अकॉर्डिंग टू इट्स प्रोसीजर की कैसे वेदरिंग हो रही है उसके हिसाब से। तो फर्स्टली हम देखते हैं फिजिकल वेदरिंग या हम बोल सकते हैं मैकेनिकल, जिसमें ये ऐसी वेदरिंग होगी जिसमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं होगा, किसी भी केमिकल का इफेक्ट नहीं होगा, इसकी वजह से हमारी ये मैकेनिकल वेदरिंग होगी। इसमें हम देखते हैं जैसे आगे हमारा टेम्परेचर हो गया, फिर आगे हमारा प्रेशर, फॉर्मिंग फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम वाटर, इसकी वजह से हमारी रॉक डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, उसको बोलेंगे हम फिजिकल वेदरिंग। दे आफ्टर हम देखते हैं केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग वो होगी ऑब्वियसली जिसमें कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होगा जिसकी वजह से वो रॉक है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। तो उसमें कई सारे रिएक्शन हो सकते हैं, जैसे सॉल्यूशन हो गया हमारा, ऑक्सीडेशन, हो गई ऑक्सीडेशन, हो गई और कुछ अदर टाइप के केमिकल रिएक्शंस जिसे हो गई हमारी केमिकल वेदरिंग। एंड अदर लास्ट आ जाएगी हमारी बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग वो होगी जिसमें इफेक्ट होगा प्लांट्स का, एनिमल्स का या हमारा ह्यूमंस का। तो उसमें हम देखते हैं एक आ जाएगी हमारी फ्लोरल, जिसमें होगी हमारे प्लांट्स, फॉनल आ जाएगी इसमें होगी हमारे एनिमल्स, थर्ड आ जाएगी हमारी एंथ्रोपो, इसमें आ जाएंगे हमारे ह्यूमंस। इनके इफेक्ट की वजह से जो वेदरिंग होगी उसको बोलेंगे हम बायोलॉजिकल वेदरिंग। सो दे आफ्टर हम देखते हैं आफ्टर वेदरिंग हम देखते हैं कई बार हम इरोजन, सूर्योदय हो जाता है, प्रोसेस है ऑफ वेयरिंग आउट ऑफ सरफेस, वेयरिंग आउट ऑफ सरफेस होगी कैसे, बाय वेदरिंग और मूवमेंट ऑफ डेब्रिस बाई वेरियस एजेंट्स, उसको बोल देंगे हम हमारे इरोजन। उसमें वेरियस एजेंट्स काम करते हैं, जैसे हमारे आगे रिवर्स आ गए, ग्लेशियर्स आ गए और सम अदर एजेंट्स, जो कि एक डिसइंटीग्रेटेड जैसे कोई रॉक है वहाँ से डिसइंटीग्रेशन हुई या हमारी सॉइल है वहाँ से पानी फ्लो किया, तो जो एक जगह का पार्टिकल है उसको ट्रांसपोर्ट करके दूसरी जगह पे डिपॉजिट कर देंगे
इसके वजह से इस प्रोसेस जो है इसको बोल देंगे हम इरोजन। सो थैंक यू गाइस।